देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 43 मामले सामने आए हैं। इनमें से पॉजिटिव 3 मरीजों को अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। केरल में एक 3 साल के बच्चे में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बच्चा हाल ही में अपने परिवार के साथ इटली से आया था। वहीं जम्मू में भी 63 वर्षीय महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। महिला हाल ही में ईरान की यात्रा करके लौटी थी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर से एक एक नया मामला सामने आया है। साथ ही बताया कि अब तक किसी की भी मौत की खबर फिलहाल नहीं है। कतर ने इटली से आने और जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इराक, लेबनान, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सीरिया और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि आईपीएल 2020 को कोरोना वायरस के कारण स्थगित किए जाने के सवाल पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सूत्रों ने कहा कि आईपीएल में अभी समय है, अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, हम पूरी सावधानी बरतेंगे। चीन से बाहर जानलेवा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं। करीब 1/4 आबादी को घरों में कैद रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही पूरे देश में 3 अप्रैल तक स्कूल, सिनेमाघर, थिएटर, नाइट क्लब और म्यूजियम बंद कर दिए गए हैं।